तो आज की रेट में हम बात करेंगे आपके साथ डिफाइन नेम के बारे में। जी हाँ, डिफाइन नेम के बारे में हम बात करेंगे। क्या करता है डिफाइन नेम? तो बेसिकली एक एरिया जिसका एक पहले से एक एरिया होता है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम ऑलरेडी एक है, तो डिफाइन नेम की मदद से इसका यूज कर सकते हैं। डिफाइन नेम की मदद से कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूले वगैरह में जो मर्ज ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रीज करते हैं ड्रैग करने के लिए, उससे बचा जाता है। एक एरिया ले लिया, अब इसका नाम मान लीजिए, इसका एरिया जो है मान लीजिए A1 से लेके F12 तक है और C1 का। तो अगर हम सेम सीट में अगर सम लगाते हैं तो सेम सीट में मुझे A1 से लेके F12 डालना होगा, फिर सम आएगा। किसी और सीट पे जाते हैं तो सेम इसी तरह से मुझे पूरा का पूरा एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से C1 के साथ। और अगर ड्रैग करते हैं, कुछ करते हैं, तो फ्रीज व्रीज का चक्का पड़ जाएगा। जी ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां चले गए इंसर्ट में, इंसर्ट नहीं, फॉर्मूला, माफ कीजिएगा, फॉर्मूला में इसका एक डिफाइन नेम होता है। इसको सेलेक्ट करके डिफाइन नेम, और इसका नाम मान लीजिए मैंने DT रख दिया। अब मुझे कहीं भी इसका इस्तेमाल करना होगा, इक्वल सम, और यहाँ पे DT करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 278 आ गया। और हम कहीं कितना भी ड्रैग करेंगे उससे कोई सर फर्क नहीं इसका पड़ता। ऐड कर दिया ना, सर इसका ऐड कर दिया सिर्फ। हाँ, ऐड कर दिया, मतलब हम सम फॉर्म में लगाएंगे तो जी ऐड ही करेगा ना सर। जी 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 इसका बेनिफिट्स चलते हैं देखते हैं। तो इसको हम कई केसेस में कैलकुलेशन भी हम करते हैं, जैसे कि मेरे पास Q1 है और यहाँ पे हमारे पास Q2 है। Q1 में मेरे पास 50 टेयर सेल है, Q2 में 60 सेल है, मुझे ग्रोथ निकालना है। तो जनरली ग्रोथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ निकालने के लिए ब्रैकेट में Q2 माइनस Q1 करते हैं और डिवाइड बाई हम Q1 करते हैं। अब इसके अंदर लगी हुई कैलकुलेशन वहां दिख सकते हैं, ड्रैगिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लेते हैं और याद रखिएगा सेम सीट के अंदर इसी पे हम कर्सर रखेंगे, और यहाँ डिफाइन नेम में, यहाँ फॉर्मूला बार के डिफाइन नेम में जाएंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे GR दे दिया, और यहाँ पे हम इक्वल कर्व फॉर्मूला डाल देते हैं एंड हमने ओके कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा सेम शीट, और जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है वहीं पे आपको कर्सर होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये पास ले लेगा और रिजल्ट दे देगा। और हम इसको ड्रैग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ, हम नीचे ले लेगा, ले लिया। सेम उसी तरह से मान लीजिए कहीं और है, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, यहाँ पे A110 करता हूँ, तो यहाँ GR लगाऊंगा तो यहाँ ले लेगा। तो क्या है कि आपका चेंज होगा लेकिन सेम पैटर्न, और लेकिन वर्क करेगा सेम सीट पे, किसी और सीट पे गए तो फिर वो वहां उस सीट का पकड़ेगा, इस सीट से रेफरेंस नहीं लेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने के लिए हमारे पास फॉर्मुलेज है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सर इस तरह से ये हमें क्या हो ग्रोथ गया निकाल डिफ रहा है सर, जी हाँ, ग्रोथ निकाल सर रहा है। इसका ग्रोथ निकाल रहा है ना? हाँ, तो ग्रोथ का फॉर्मूला दिया है ना इसके अंदर हम, जी जी तो ग्रोथ ही जी निकालेगा। अब जैसे कि यहाँ पे सर कोई सेल, दूसरे सीट पे,
बोलिए, दूसरे सीट पे वर्क नहीं कर रहा उसके लिए दूसरा तरीका है, बताएंगे फिलहाल उसको दिमाग से निकाल दीजिए, पहले इस पे ध्यान दीजिए। ओके okay. हम चरणबद्ध तरीके से करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके हिंदी में बोला जाता है इसको, पहला स्टेप देन दूसरा स्टेप देन तीसरा स्टेप। तो हम पहले स्टेप को पहले जान लेते हैं, वरना दूसरा स्टेप पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? जी तो यहां पे मुझे सेल्स लगाना है कि 0 to 40, 41 to 80। याद होगा यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था जब इफ का फॉर्मूला, उसमें हमने इसका यूज जी किया, 81 to 100 और ग्रेटर देन 100। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया था फॉर्मूला कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो मुझे 500 देना है। फिर अगेन इफ लगाया, इसको सेलेक्ट किया, तो ऐसा अगर ए लेस देन इक्वल टू हमारा 40 है तो यहाँ पे आना चाहिए 1000, लेस देन 1480 करना है ना, मैं 1000। फिर यहाँ इफ ने सेलेक्ट किया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो आना चाहिए 1000। देन इफ एक बार और सेलेक्ट किया, बोला अगर ए लेस देन इक्वल टू, लेस नहीं ग्रेटर देन ए टू, अगर ए ग्रेटर देन 1000 है तो आना चाहिए 2000। एंटर किया, रिजल्ट आ गया। अब प्रॉब्लम होता है कि आप तो लगा लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े केसेस में कई बार क्या होता है कि हमें इसकी ज़रूरत कब बहुत कम पड़ती है, तो हम इसको नहीं छोड़ देते, नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ आता है, कि जब आपको यहाँ इसके अंदर किसी और को लगाना हो तो प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको कॉपी करते हैं फॉर्मूले पे, यहाँ इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, इस पे जाते हैं। जाने के बाद हम यहाँ नेम के वही फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम में आते हैं, और मैं यहाँ पे INC का हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे अपने इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे जस्ट एक कॉल INC करूँगा और रिजल्ट आपके सामने, बट ये दोनों के वो पकड़ा, यहाँ पे हमने ओ एक छोटी सी गलती हो गई थी, हमने कहीं पे A1 ले रखा है। A2 होना चाहिए। तो अब मुझे अपने डिफाइन नेम में जाके चेंज करना होगा, जो INC का फॉर्मूला है इसके अंदर A2 एंड क्लोज। अब यहाँ देखिए ए सी सी के पकड़ रहा है, और नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी होगा। अब कोई बंदा आएगा आपको बोलेगा कि भाई इंसेंटिव लगा ले, तो सिंपल से क्या करेगा, INC लगा के एंटर मार देगा, हो जाएगा क्या। जी अच्छा, जब कैलकुलेशन जब कराया था तो हमने आपको एक एग्जांपल बताया था MRP निकालने का, MRP जिसमें हमने यहाँ पे 50 हमारा MRP निकालना था, कॉस्ट हमारा ये था, ये रहा कॉस्ट, ये था। तो हमने क्या किया था कि इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 5% किया था, और हमने इसके अंदर प्लस कर ऐड कर दिया, दिया था। जी फिर वापस हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10% किया था और इसके अंदर इसको हमने ऐड कर ऐड कर दिया। दिया था। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 15% और हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर मल्टीप्लाई जी बाय 20% 20 और हमने इसके ऊपर इसको ऐड कर ऐड दिया, कर दिया। रिजल्ट 79 आया, राइट। जी तो हमने आपको मर्जिंग सिखाया था कि एक एक करके ब्रैकेट में जाके मर्ज करते चले जाए एक से यस एक, ये याद जी होगा आपको शायद।
हाँ याद है सर तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत लंबा फॉर्मूला बनता है ना जी। आप। उसके बाद कट कट करके लग करते हैं। हाँ इसको हम लोग फॉर्मूला मर्जिंग मेथड अभी करके दिखा देते, याद आ जाएगा। कई नहीं बार सर क्या ये है ना, तो हाँ हम कंफर्म है मैं सर। समझाते हैं आपको, देखिए 2 मिनट लग जाएगा। सॉरी इसको भी तो करना है ना, हाँ इसको इसमें कॉपी करना करेंगे इसके अंदर D7 DT D7 के पास। और इसके अंदर हटाया, वापस इसको सिलेक्ट करते कॉपी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ D18 के अंदर वो D8 चीज़ें पेस्ट कर देते हैं, इसके यहाँ भी अंदर D8 है इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम दिखाने के लिए इस फॉर्मूले को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्या है एक्चुअल में प्रॉब्लम, ठीक है? E7 के पास। E8 हमने इसको डाल दिया और यहाँ भी E8 इसको है, कॉपी जी ये इसको कॉपी किए, यहाँ E7 F7। के पास डाल दिया। E7 के पास डाल दिया अब देखिए इतना लंबा फॉर्मूला है, अब मुझे मान लीजिए कि इसमें जी। मैं पहला कमीशन 5% की जगह पे 7% हो गया। अब देखिए कितने जगह पे 5% चेंज करने पड़े, 5 से 7 करने पड़े, दिख रहा है सर? जी अब इसमें देख, चलिए डिफाइन नेम की मदद लेते हैं। तो डिफाइन नेम में मैंने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला बार के डिफाइन अंदर डिफाइन नेम, और मैं MRP ले लिया, तो सबसे पहला लगाना है यहाँ पे कि ये रहा इसका 5% प्लस, ठीक है? 1 मिनट MRP लगाते हैं, आ गया सर 52% आ गया ना, लेकिन हमने MRP लगा के गलत किया, क्योंकि MRP तो फाइनल है ना हमारा, तो यहाँ पे MRP की जगह पे लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कि MC। MC के मतलब गलत मत समझिएगा, हमने MC लिखा है, ठीक है? और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब यहाँ पे हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट DC, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहेगा, तो वो करेगा जो Recording MC stopped. है उसको मल्टीप्लाई करेगा किसे, Recording in progress. 10% से, और प्लस कर देगा MC। अब यहाँ पे SC निकालना है, SC जो कि DC का 15% निकालेगा, उस पर DC ऐड कर देगा, एंड लास्ट जो होगा वो होगा हमारा MRP। क्या होगा? MRP। MRP MRP में मैंने यहाँ पे किया भाई, जो हमारा SC है होलसेलर प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करना है 20% से और प्लस कर देना है SC, ठीक है? MRP MC DC SC, राइट? अब मुझे इसको करते हैं साइड, और यहाँ पे इक्वल MRP लगाते हैं, लगाएं सर, सेम कैलकुलेशन है। अब मुझे 5 की 7% करना है, तो सीधे हम चले जाएंगे मैन्युफैक्चर MC वाले में, जहाँ पे 5% है उसको क्या कर देंगे 10%, एक ही जगह पे चेंज करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा क्या सर? महेंद्र जी समझ में आया? अब यही प्रॉब्लम होती है कि ये सिर्फ सेम सीट पे ही चलेगा, डिफरेंट सीट पे नहीं चलेगा, और इसका रिजल्ट लेने का पैटर्न से कि ऊपर हमेशा ऊपर वाले को कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट पे यहाँ रहा, मुझे यहाँ कैलकुलेट करना हो तो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें
2019 तक तो पॉसिबल नहीं थी, बट 2021 के अंदर में आप लॉजिकल फॉर्मूला में देखिएगा, लैम्डा नाम का फॉर्मूला आया हुआ है, लैम्डा या लेट नाम का फॉर्मूला आया हुआ है। इन चीजों का यूज हम करते हैं, तो ये चीजें हम आपको कल बताएंगे, फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल बताएंगे कि लैम्डा फॉर्मूला, लेट फॉर्मूला का हम यूज कैसे करेंगे और किस तरह से हम इसका बेनिफिट्स लेंगे कैलकुलेशन में।